डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास टेंथ में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर को देखा था। चलिए टेंथ क्लास के साइंस में एक नए टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो टॉपिक्स है, टॉपिक्स बनाएंगे पादपों में समन्वय, पादपों में समन्वय। अभी तक के हम लोग बात कर रहे थे कि जंतुओं में समन्वय क्या होता है, यानी कि अगर जंतुओं का शरीर का कोई अंग पर अगर वार किया जाए, चुट्टी काटा जाए या आग के लपेट में आ जाए, तो हमारा शरीर का वो अंग जो कहीं ना कहीं हानि से जूझ रहा हो, उसको हम तुरंत बैक खींचते हैं, वापस लाते हैं उसको। जैसे मान लिया हमको कोई चूटी काटा, कोई मारा, तो हम अपने शरीर के उस अंग को फटाक से पीछे खींच लेते हैं। अब हम लोग जंतुओं में समन्वय या नियंत्रण की बात करने के बाद हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं कि आखिर पादपों में यह समन्वय कैसे होता है। आप जानते होंगे कि पादपों में समन्वय का मतलब पादपों में वृद्धि, यानी कि पादप में जो वृद्धि होती है वो भी एक तरह का समन्वय ही है। जैसे आप पेड़ के पौधा को, आम का पौधा को इतने बड़ा रोपा, उसको आप लगाएं, वृक्षारोपण किए, कुछ दिन के बाद उसका आकार, उसका वृद्धि बढ़ गया, वही नहीं उसकी जड़ें भी और अंदर तक मिट्टी में धंस गईं। और वही नहीं दोस्त, एक पौधा का नाम है जिसका नाम है छुई मुई पौधा। आप नाम सुने होंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका फिगर भी आपको दिखाएंगे। तो छुईमुई पौधा एक ऐसी पौधा है जिसकी पत्तियों को आप सिर्फ टच कर देंगे, वो पत्तियां मुरझा जाएंगी। कुछ देर के बाद वो मुरझाए हुए पत्तियां फिर वापस खिल जाएगी। तो कहने का मतलब है, हम लोग पादपों में समन्वय देख रहे हैं कि आखिर ये सब पादपों में कैसे हो पाता है। पादपों में जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं। पादपों का वह भाग जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, यह कैसे करता है? या फिर पादपों में समन्वय का मतलब जब छुई मुई पौधे को टच करते हैं, उसकी पत्तियां मुरझा क्यों जाती है? तो बहुत सारी ऐसी सवाल उठती हैं। तो उस सवाल का आंसर होता है उद्दीपन। यानी कि अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन एक नया वर्ड है, याद रखिए। हमारे जंतुओं में जो समन्वय और नियंत्रण का काम करता है वो तंत्रिका तंत्र करता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का काम ही है कहीं भी शरीर के कोई भी किसी भाग से सूचनाएं को इकट्ठा करना, सूचनाओं को पहुंचाना। लेकिन पादपों में आप समझिए तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, फिर भी वे सूचनाएं कैसे प्राप्त करते हैं? तो उद्दीपन के द्वारा उन्हें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ये बात याद रखिए। तो उद्दीपन एक नया वर्ड है, इसी उद्दीपन के माध्यम से पादपों के शरीर में वृद्धि होती है। उनमें जब छुई मुई पौधों को टच करते हैं तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, पौधे की जड़ें और मिट्टी के अंदर धंसते जाती हैं, ये सब उद्दीपन के द्वारा होता है। तो चलिए पादपों में समन्वय का फर्स्ट एरो लेंगे। फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, पादपों में शरीर की क्रिया के नियंत्रण, पादपों में शरीर की क्रिया के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पूर्ण विराम, अतः उसे क्या आगे लिखेंगे? अतः वे उद्दीपन की अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन की अनुक्रिया करते हैं। जी हाँ, जैसे कि अभी बताएं, जंतुओं में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पौधों में ये तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होती है? उद्दीपन की क्रिया होती है, जैसा कि अभी हम समझाएं आपको। फिर लिखा जाए सेकेंड एरो में लिखा जाए, छुई मुई की पत्तियां
छुई मुई, कैसे लिखेंगे? छुई छुई मुई, पौधों की पत्तियां। छुई मुई पौधों की पत्तियां। स्पर्श के अनुक्रिया से, स्पर्श के अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है, बहुत तेजी से गति करती है। याद रखिए, छुई मुई वह एक पौधा है जिसको मात्र आप टच कर दीजिएगा उसकी पत्ती को, तो बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से उनकी पत्तियां जो है मुरझा जाएंगी। आपको हम यहाँ पे स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं, वह छुई मुई का पौधा है। ये छुई मुई बिना टच वाला किया हुआ है, यानी कि जब आप इस छुई मुई पौधे को टच नहीं करेंगे तब आपको इस तरीके से नजर आएंगे, लेकिन इसी पौधे को, इसी पत्तियों को आप टच कर देंगे तो अब देखिए इस तरह से दिखने लगता है, यानी ये पत्तियां मुरझाई हुई हैं। तो आपको जो अभी स्क्रीन पे दो फिगर दिखाएं, इसके पहले छुई मुई का वह पत्ती था जिसको टच नहीं किया गया था, और जिसको टच करने के बाद जो आकृति बन रहा है वो मुरझाई हुई पत्तियां हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं स्क्रीन से। अभी हम लोग देख रहे थे कि छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो बिना टच किए हुए कैसी आकार की थी, और टच कर लेते हैं तो वो बहुत तेजी से उनमें गति करती है, गति होती है और सिकुड़ जाती है। छुई मुई का नाम ही है छुई मुई, और वो सिकुड़ जाती है ना कुछ देर के बाद, फिर वापस वैसे ही हो जाती है जैसे पहले वाले फिगर में आपको दिखाएं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आरो देंगे, लिखेंगे पादपों में दो भिन्न प्रकार की गतियां, पादपों में दो भिन्न प्रकार की गतियां होती है। पहला वृद्धि पर आश्रित गति, दूसरा वृद्धि से मुक्त गति। याद रखिएगा कि पादपों में कितने प्रकार की गतियां होती है, तो दो प्रकार का, एक वृद्धि पर आश्रित। अच्छा, वृद्धि पर आश्रित का मतलब क्या है? जैसे आपने आम का पौधा या किसी का पौधा आपने लगाया, ठीक है, अब ये पौधा का हाइट 2 फीट का था, लेकिन कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे बढ़ गया, 5 फीट का हो गया, तब इसको कहेंगे वृद्धि पर आश्रित, यानी कि इसमें वृद्धि हुआ, ये पौधा जो है बड़ा हुआ, वृद्धि हुआ, तब इसको कहेंगे वृद्धि पर आश्रित गति। और वृद्धि से मुक्त गति, वृद्धि से मुक्त गति का मतलब वृद्धि उसमें नहीं होगा लेकिन फिर भी गति होगी, उसको कहते हैं छुई मुई वाला। यानी कि छुई मुई के पत्तियों में अभी हम लोग क्या देखें कि था एकदम अच्छी पत्ती, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको टच किए उसकी पत्तियां में गति हो गई, यानी कि बहुत तेजी से गति हुई। इस प्रकार के गति को हम लोग कहते हैं वृद्धि से मुक्त गति, ठीक है। तो वृद्धि से मुक्त गति का कहने का मतलब क्या है? वृद्धि से मुक्त गति का मतलब है कि उसमें वृद्धि तो नहीं होती है लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ रही है, तो उसमें भी एक तरह का गति हुआ, इसको कहेंगे वृद्धि से मुक्त गति, जो छुई मुई वाला पौधा है। और वृद्धि पर आश्रित गति का मतलब उसमें वही वृद्धि होगी, यानी कि उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, उसकी हाइट बढ़ेगी। तो इस तरीके से दो गतियां होती है पादपों में, वृद्धि पर आश्रित और वृद्धि से मुक्त गतियां। चलिए उसके नेक्स्ट एरो देंगे, उसके नीचे लिखेंगे पादपों में स्पर्श होने की सूचना, पादपों में स्पर्श होने की सूचना एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संचारित करने के लिए, संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन का उपयोग करते हैं, वैद्युत रसायन का उपयोग करते हैं। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं
हम लोग पादपों में स्पर्श होने की सूचना जो है, यानी कि जैसे ही हम लोग छुई मुई पौधे को टच किए, तो ये टच करने के लिए, जैसे हम हमारे हमारे शरीर में कोई टच करता है तो कैसे हमें पता चलता है, वैसे ही बोला जा रहा है कि अगर पादपों में, पौधों में किसी भाग को आप टच करते हैं, तो ये टच करते हैं तो पौधे को कैसे पता चलता है कि कोई हमें टच किया। जैसे छुई मुई पौधे को टच किए तो क्या किया, अपने पत्तियों को मुरझा लिया, तो आखिर उसको कैसे पता चला। तो याद रखिएगा, एक तरह का रसायन संचारित होता है, एक तरह का रसायन निकलता है जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जाती है। ये रसायन, इस रसायन को बोला गया वैद्युत रसायन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पादपों में आखिर टच करते हैं तो उसको कैसे पता चलता है, हालांकि उसमें तो तंत्रिका तंत्र है नहीं, तो उसमें जो पता चलता है वैद्युत रसायन के माध्यम से पता चलता है। यही वैद्युत रसायन एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जाती है उस सूचनाओं को लेकर, यानी उस सूचनाओं को संचारित करती है, भेजती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक। वो कौन सी है, वैद्युत रसायन के माध्यम से इनको पता चलता है। चलिए उसके आगे नेक्स्ट आरो देंगे, लिखा जाए पादप कोशिका में जंतु पेशियों की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होते हैं, विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होते हैं, अतः वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके, अतः वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, अपनी आकृति बदल लेती है। जी हाँ, चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जंतु कोशिकाओं में, जंतु पेशी में, जंतु का मतलब गाय भैंस मानव, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन पाया कहाँ जाता है भाई, तो जंतु की कोशिकाओं में, जैसे हमारा बॉडी है तो हमारा मसल्स में, हमारी पेशियों में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन कोई भी पादप में, कोई भी पेड़ पौधे में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये वाला प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पादप कोशिका में जंतु की तरह प्रोटीन नहीं पाया जाता, अतः ये क्या करते हैं, जल की मात्रा में, यानी कि पौधे क्या करते हैं फिर, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलती है। यानी कि आप देखते होंगे कि कोई भी पादप है, पौधे हैं, तो अपना आकृति बदलते हैं, या फिर आप उनको ग्रोथ कहते हैं कि पौधा वृद्धि किया है, पौधा बड़ा हुआ है। तब आखिर क्यों होते हैं पौधे बड़े, तो याद रखिएगा उनमें तो प्रोटीन होती नहीं है पादपों में, तो इसलिए वे पादप क्या करते हैं, जल की मात्रा में परिवर्तित करते हैं और फिर अपनी आकृति को बदलते हैं। तो याद रखिएगा, जो पादप होते हैं ना, उसमें प्रोटीन नहीं होता है जंतु की तरह, तो वे जल में परिवर्तित होते हैं। अब जल में परिवर्तित बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं पौधों के अंदर, तो वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जल की मात्रा में परिवर्तित करती हैं, इसलिए बोला गया कि उनकी आकृति जो है बदलती है, उनकी आकृति बदलती है, उनकी ऊंचाई बदलती है, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो यही वजह है कि पादप जो है अपने वृद्धि करती है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर वृद्धि के कारण गति किस प्रकार होता है। तो अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक वृद्धि के कारण गति, यानी कि ये जो गति हम लोग सीखेंगे स्पेशल किसके वजह से, वृद्धि के कारण। अभी तक के जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे वो पादपों में समन्वय का टॉपिक्स का बात कर रहे थे, अब हम लोग नया टॉपिक्स बनाएंगे जिसका नाम है वृद्धि के कारण गति। यानी कि जो पौधे हैं ना,
उनमें जो वृद्धि हो रही है उसके कारण जो गति हम लोगों को पाई जा रही है, मिल रही है, वो कैसी है। तो वृद्धि के कारण गति, ये हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक्स को दोस्त हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे कि वृद्धि के कारण पौधों में गति कैसे होते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, यही टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं वृद्धि के कारण गति, इसी टॉपिक्स को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।